नमस्कार, आप देख रहे हैं निशन न्यूज़। मैं हूं अभय प्रियदर्शी। प्रचार प्रसार के लिए विधानसभा क्षेत्र में हर एक बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झाझा विधानसभा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने संबोधन करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 5 साल किसी और दल के साथ रहते हैं और सरकार बनाते हैं, और 5 साल किसी और के साथ। साथ ही साथ आगे बताते हैं कि अगर हमारी सरकार आई, राजद की सरकार आई, तो हम सबसे पहले युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे। आगे क्या कुछ कर रहे हैं, जरा आप भी सुनिए तेजस्वी यादव। नीतीश जी ने 12 करोड़ आम जनता के जनादेश को अपमानित करने का काम किया। ऐसा कोई सरकार है जिसको नीतीश जी ने ठगा? आप एक बार समझ लीजिए, नीतीश जी का मतलब एक बार फिर मौका मिलेगा, फिर 2 साल किसी और के साथ, 3 साल किसी और के साथ, यही बिगाड़ो जोड़ो तोड़ो, यही चलता है। शादी किसी और के साथ, हनीमून किसी और, यही है मेरे भाई बिहार का खेल, नीतीश जी का खेल। एक गाना चला है, सुनिए, एक गाना चला है बिहार का, बिहार ले बेरोजगारी का, गरीबी का, पलायन बा, अपराधीकरण बा, भ्रष्टाचार बा। नीतीश जी घूमने चल रहे हैं, घूम के कह रहे कि हम तो भाई सेवा करना चाहते हैं, हमको मेवा नहीं चाहिए। तो मेवा नहीं चाहिए तो 60 घोटाला कौन किया, 1000 करोड़ का कौन लूटा, बताओ ऐसा बताओ, बताइए। थाना जाते हो, ब्लॉक जाते हो तो घूस देना पड़ता है, गिर देना पड़ता है, संसद आपके
आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर बरस रहे हैं और साथ ही साथ अपने जो कैंडिडेट हैं राजेंद्र यादव जो राजद से उम्मीदवार हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र से, उनके लिए लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। नमस्कार।